लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। नवी मुंबई महानगर पालिका ने आज वाशी की श्रद्धा सोसाइटी के उन जाजर इमारत को तोड़ दिया जिसे धोखादायक साबित करते हुए लाइट और पानी कनेक्शन काट दिया गया था। हालांकि इस दौरान स्थानीय रहवासियों का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। सहायक आयुक्त महेंद्र सिंह ठोके ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर पूर्व नगर सेवक किशोर पाटकर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं, देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई महानगर पालिका के तोड़ू दस्ते को आज वाशी में उस वक्त कड़ा विरोध झेलना पड़ा जब अतिक्रमण दस्ते ने श्रद्धा सोसाइटी के जर्जर इमारतों को तोड़ना शुरू किया। मनपा के सहायक आयुक्त विभाग अधिकारी महेंद्र सिंह ठोके ने कहा कि इन इमारतों को धोखादायक घोषित किया गया है। हाल ही में इसका लाइट और पानी कनेक्शन काट दिया गया था। स्थानीय नागरिकों का कहना था कि ऐसे कार्रवाई के बाद आखिर वे कहां जाएंगे। इस पर सहायक आयुक्त महेंद्र सिंह ठोके ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्यवाही की गई है, आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन नुसार आयुक्त साहब उपायुक्त अतिक्रमण आदेशान आज कार्रवाई कर ठिकाणी श्रद्धा अपार्टमेंट मध्य नल कनेक्शन विद्युत कनेक्शन एमएसईबी ने कट के लिए रीडेवलपमेंट। आपको इधर एक महीने में हम लोग एक कंपाउंड, अभी डिमोलिशन ऑर्डर भी है हमारे पास, हम लोग ये तोड़ के रीडेवलपमेंट की शुरुआत होते हुए आपको दिखेगी। आखिर C1 कैटेगरी के घर जो सबसे डेंजरस होते हैं उसमें कौन रहना चाहेगा, उनके भी छोटे बच्चे, उनको समझना चाहिए। हम इधर सिर्फ जिद या उनका कुछ इनर मोटिव है या वो लोगों ने कुछ अपना सोच के रखा है उसके हिसाब से वो लोग रह रहे थे, नहीं तो ऐसे कौन घरों में रहता है। इतना खराब घर हो चुका है, डेंजरस है, सब लीकेज है, सब स्लैब गिर रहे, फिर भी जबरदस्ती ईगो करके रह रहे। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल और उनका पर्सनल ईगो आड़ आ रहा था, आज वो भी खत्म कर दिया कोर्ट के ऑर्डर से। उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं पालिका को। विरोध करने वाले लोग अभी इधर बैठे थे, अभी वो लोग आ रहे कि हमको डिपॉजिट भाड़ा दो, हम जाने को तैयार है। तो हम उनको देखे, वो भी अपने ही लोग हैं, वो मिसगाइडेड है, उनको झूठा स्टेटमेंट दिया गया था कि तुमको घर कम दे रहे, ये कर दे। आज उन्होंने देख लिया सबके, तो जो बोल रहे थे वैसा नहीं है। वो लोग भी अभी आके लेके निकल जाएंगे, अभी ऑप्शन भी नहीं रहा ना कुछ। देखो 20 साल हो गई जब से हम इंतजार कर रहे हैं, अभी बनेगा तभी बनेगा, और हम परेशान हो गए और हमारी जो बिल्डिंग है वो धोखादार हैं। तो इस बात की मैं विनती करती हूँ, जो हमारे सोसाइटी के साहब लोग हैं और सब हम मिल के एकता में एकता में रह के, और हम इस बात की विनती करते हैं बिल्डर को भी कि जल्दी से जल्दी हमें घर मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोकन के घर हैं, इनमें ये हो गया तो कितने दिन चलेंगे, अभी 2 साल तो हो गई। तो हम इस बात की विनती करते हैं जल्दी से जल्दी हमारे घर हमको मिलने चाहिए, हम परेशान हैं। आजच्या दिवसाचा आम्ही वाट बघत होतो आणि तो दिवस आज उजाडला, आज आम्हाला खूप आनंद वाटत आहे। आज आमच्यासाठी खूप खुशीचा दिवस आहे, आज आमच्या टावर बनायला सुरुवात आजपासून होत आहे। दिवाळीमध्ये ही आमच्यासाठी खूप आनंदाची बातमी आहे। खूप अडचणी आल्या, आम्ही खूप प्रतीक्षा केली, पण आज त्याला मुहूर्त मिळाला आणि काम चालू झालं, आम्ही खूप आनंदी आहोत। आणि ह्या कामासाठी ज्या लोकांनी सहकार्य केलं त्यांचं मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो। मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग बहुत परेशान थे और बहुत सालों से हमारे बच्चे, हम सब बहुत परेशान थे। आज हमारा घर बनने जा रहा है, हम लोग बहुत खुश है और किशोर पाटकर साहब का बहुत बहुत आभार। किशोर पाटकर सर के ठिकाने आम्हाला लाभलेले आहेत की त्याने आतापर्यंत सगळ्या प्रयत्नांनी इथंपर्यंत आम्ही आलोय, नाही तर आम्ही काही करू शकलो नसतो। त्यांचा सहभाग होता म्हणून आम्ही इथंपर्यंत आलो आहे, आणि आता थोडंसं स्वप्न साकार व्हायला दृष्टिक्षेपावर आलेलं आहे की बाबा आता आज नाही उद्या तरी आपल्याला घर मिळेल, ह्या आशेवरती आम्ही आहे। आणि आज जी सुरुवात झाली त्याचा अतिशय आनंद आहे की जेणेकरून आम्हाला घर मिळेल त्याची मुहूर्तमेढ आज रोवलेली आहे, एवढंच मी या ठिकाणी सांगू। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।